चैनल, मैं हूँ शैलजा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द लाइवली में। अभी मैं हूँ हुटार में और यहाँ लगता है बाजार। आज इसी मार्केट में मैं घूमने आई हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी लेते चलूँ। तो चलिए आज मेरे साथ घूमिए हुटार बाजार। अभी मैं जहाँ पे खड़ी हूँ दोस्तों, वहाँ से सीधे रांची जाने का रास्ता है और रांची की तरफ से अगर आइएगा आप लोग तो हुटार बाजार बाएं की तरफ पड़ेगा और सामने जो आप लोगों को रास्ता दिख रहा है वो ले जाएगा आपको खूंटी मेन टाउन। और खूंटी मेन टाउन से अगर आप लोग आइएगा हुटार की तरफ तो बाजार दाहिने की तरफ पड़ेगा। अभी तो बरसात का सीज़न चल रहा है तो बरसात में जितनी सब्जियां और चीज़ें मिलती हैं वही आपको बाज़ार में देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर मैं बाज़ार में एंटर हो चुकी, तो चलिए आज देखते हैं कि बाज़ार में हमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है। इस तरह के साप्ताहिक बाज़ार का मज़ा तो कुछ और ही होता है और जितनी भी सब्जियां यहाँ मिलती हैं सारी की सारी फ्रेश मिलती है। तो बाज़ार घुसते साथ ही मुझे दिखाई दिया अमरूद, नींबू और यहाँ देखिए बादाम भी मिल रहा है, सब 10 रुपया खेजा करके मिल रहा था। और यहाँ देखिए बाएं तरफ चना मिल रहा है और सीज़न वाइज जितनी सब्जियाँ आई रहती हैं जैसे पिचकी है, भिंडी है, मकई आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जितनी भी बरसात में सब्जियाँ होती हैं उसी तरह की सब्जियाँ आपको बाज़ार में देखने के लिए मिलेगी। दाहिने की तरफ देखिए यहाँ पे मिठाइयाँ मिल रही है, समोसे, कचौड़ी, जलेबी ये सब मिल रहा है। आगे चल के मुझे दिखाई दिया रुगड़ा, तो चलिए इसका दाम पूछते हैं। रुगड़ा 50 रुपये खेजा। और यहाँ देखिए खाने वाला स्टॉल जहाँ पे कचरी, बर्रा, बालूशाही, जलेबी, समोसे सारी चीज़ें मिलती है। और ये ब्रश दाम मैंने पूछा था 70 रुपये में मिल रहा था। संतरा है दीदी? हाँ, कैसे खेजा दे रहे? 10 रुपये 20 रुपये। तो चलिए दोस्तों बाजार तो मैं आप लोगों को घुमाऊंगी ही, लेकिन हुटार के बारे में मैं आप लोगों को कुछ नॉलेज की बातें भी बताते जाऊँगी। तो हुटार जो है वो खूंटी जिला में एक छोटा सा गाँव है और यह डिस्ट्रिक्ट हेडवाटर खूंटी से 9 किलोमीटर की दूरी पर है उत्तरी दिशा में और स्टेट कैपिटल यानी रांची से ही 29 से 30 किलोमीटर की दूरी में है। हुटार में कुल मिलाकर 153 घर हैं जिसमें की जनसंख्या है 760। हुटार के आसपास के गांव की बात की जाए तो गुज्जोरा 5 किलोमीटर है यहाँ से और तोरपा 7 किलोमीटर है। उसी तरह घुनसुली 9 किलोमीटर की दूरी पर है और कुंजला भी 9 किलोमीटर की दूरी पर है और हुटार से तिरला है 10 किलोमीटर की दूरी पर। और यहाँ देखिए दोस्तों ये है बाज़ार का फेवरेट जगह जहाँ पे मीट भूंजा जा रहा है और भाई लोग यहाँ पे काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं। और बाज़ार ज़्यादातर दोस्तों सेकेंड हाफ में ही लगता है और देखिए काफ़ी भीड़ है आज तो बाज़ार में। कैसे दे रहे दीदी पाइनएप्पल? क्या पाइनएप्पल? और यहाँ पे मुझे पाइनएप्पल मिला है 60 रुपये का और घर जा करके मैंने इसे खाया था तो काफ़ी मीठा था ये। तो हाँ दोस्तों मैं बात कर रही थी हुटार की, तो हुटार से कर्रा ब्लॉक जो है वो वेस्ट की तरफ पड़ेगा और मुरहू ब्लॉक पड़ेगा साउथ की तरफ, नामकुम ब्लॉक पड़ेगा नॉर्थ की तरफ और तोरपा ब्लॉक पड़ेगा साउथ की तरफ। और यहाँ की साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट 57% है और हुटार में सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है करीब 77%। हुटार से जो निकटतम रेलवे स्टेशन वो है हटिया रेलवे स्टेशन, कर्रा रेलवे स्टेशन और रांची रेलवे स्टेशन। यहाँ पे आपको हवाई अड्डा नहीं मिलेगा, इससे नज़दीक जो हवाई अड्डा है वो है बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची। हुटार से बहुत सारी जगह जाने के लिए रास्ता कटता है जैसे खूंटी हुटार रांची, चाईबासा मुरहू खूंटी, सिमडेगा बसिया तोरपा खूंटी, तमाड़ अकड़ी खूंटी। मेरी बातें सुनते सुनते दोस्तों आप लोग वीडियो में देखते भी जाइए अच्छी तरह से कि बाज़ार में कौन कौन सी चीज़ें मिल रही हैं। हुटार से सबसे नज़दीक जो मेन सिटी है वो खूंटी ही है। आप लोग में से कौन कौन लोग हुटार बाज़ार घूम चुके हैं या हुटार में रहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। और यहाँ पर देखिए संदा मिल रहा है, करेल मिल रहा है और सूखी मछलियाँ भी मिलती हैं जो कि 10 रुपये 20 रुपये खेजा करके मिलता है और आलू के साथ इसको बनाने में तो काफ़ी मज़ा आता है। बस मुझे एक बात का डिसअपॉइंटमेंट ये हुआ दोस्तों कि जिस दिन हम लोग बाज़ार गए थे उस दिन रुगड़ा और खुखड़ी ना थोड़ा कम आया हुआ था, या हो सकता है कि बारिश कम हो रही है उसके वजह से ज़्यादा रुगड़ा या खुखड़ी मिला नहीं होगा। और रुगड़ा और खुखड़ी खाना किसको किसको पसंद है मुझे ज़रूर से बताइएगा आप लोग। और यहाँ पर देखिए रुगड़ा मिल रहा है 50 रुपये खेजा करके और जलेबी है, कचरी है, बालूशाही है, धुसका है, बहुत तरह के पकवान मिलते हैं बाज़ार में। और यहाँ पर देखिए बच्चों को नज़र से बचाने वाली चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं। और यहाँ पे मैं घूमते घूमते देख रही हूँ दोस्तों कि बाज़ार में कौन कौन सी चीज़ें आई हुई है
और हाँ, आगे तरफ मैंने देखा कि कपड़ों के भी बहुत सारी दुकानें लगी हुई थी बाज़ार में। बाज़ार में तो राशन का दुकान काफ़ी कॉमन है, जहाँ से लोग रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदते हैं, और जितनी भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं, किचन में यूज़ होने वाली चीज़ें होती हैं, सब बाज़ार में मिल जाता है। और बाज़ार की खास बात ही यही है कि एक जगह आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, तो इसीलिए लोग बाज़ार आना काफ़ी पसंद करते हैं। और यहाँ देखिए बर्तन मिल रहे हैं, और यहाँ पर देखिए खुखड़ी, और ये 100 रुपये पाव करके मिल रहा था, तो इतना ही खुखड़ी मुझे पूरा बाज़ार में दिखा उस दिन। बाज़ार में तो आपको दोस्तों खाने पीने की कोई टेंशन नहीं है, आप मस्त से बाज़ार घूमिए और तरह तरह के पकवान आपको गर्मा गर्म मिलेंगे। और हाँ, आगे मैंने दिखाया था दोस्तों उस तरफ मीट का मार्केट है, जहाँ पे आपको चिकन, मछली, पोर्क वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी 100 रुपये। और यहाँ पर भी काफ़ी चीज़ें मिल रही है, टॉर्च है, और आगे यहाँ देखिए छाता बनाने का दुकान है, तो बरसात में छाता बनाने का दुकान तो काफ़ी चलता है। और अब हम लोग बाहर की तरफ निकल रहे हैं, और बाएं की तरफ यहाँ पे देखिए बहुत सारी घड़ियाँ मिल रही है, वॉल क्लॉक है। तो दोस्तों यही है हुटार बाज़ार, और हुटार बाज़ार घूम करके आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताइएगा। आप लोग कमेंट में ज़्यादा लिखते नहीं है, आप लोग कमेंट लिखिएगा, तभी तो मुझे पता चलेगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। बाज़ार में बैठ के भी हम लोग नाश्ता किए थे, और यहाँ देखिए समोसा धुसका, उसको तो मैंने आधा खा भी लिया, और जलेबी भी काफ़ी टेस्टी था। तो बाज़ार में आप लोग पकवान चखना ना भूलिएगा दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही, मैं मिलती हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।